I'm sorry, Ruby. I'm really very sorry. Ruby, मुझे माफ कर दो. मुझे पता नहीं. I'm sorry. अक्रम, यकीन तो तुम्हें पहले भी नहीं था जो हीना करती है ये. लेकिन तुमने उसे तलाक दिया ना. होश की दवा करो अक्रम. होश की दवा करो. वरना पूरी जिंदगी तुम्हें दुश्मन के बच्चे को गोद में खिलाना पड़ेगा. हीना, बस एक यही फरेब देना बाकी रह गया था, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हीना. डॉक्टर साहब, समीर की सालगिरह के मौके पर एक दावत का इंतजाम किया है. बहुत से लोग आ रहे हैं, आप जरूर तशरीफ लाइएगा. जरूर आऊंगा. मुझे उम्मीद है इस पार्टी का समीर पर बहुत अच्छा असर होगा. हीना कब तक आएगी पार्टी में? डॉक्टर साहब, एक बाप के दिल पर पत्थर रखकर कह रहा हूं कि समीर का जो होना है हो, लेकिन अब हीना या नहीं आएगी. समीर, तुम्हारे अब्बू बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं. तुम्हारी सालगिरह है ना, और जानते हो वो सब लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी से वाबस्ता हैं. तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे समीर. अच्छा, तुम्हें अपना कोई बर्थडे याद है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो. क्यों अपनी नींद और मेरा दिमाग खराब करते हो? आज का इंतजार पहले की तरह नहीं है, इसकी एक खास वजह है. क्या? तो तुम मुझे बर्थडे विश करना चाहती हो? जी हाँ, हैप्पी बर्थडे. ठीक है, ये एक छोटा सा तोहफा, अनमोल तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कबूल कर लिया तो अनमोल हो जाएगा. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा यह तोहफा कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वही तोहफा अनमोल है जो रूबी ने मुझे दिया है. तुम अपना यह तोहफा अपने पास ही रखो. क्या हुआ बेटा? समीर, बेटा खाना खाओ. क्या हुआ बच्चे? है या नहीं ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए ना, वही तलाश कर. अक्रम, ये आपको क्या हो गया है? आपको क्या लगता है वो इतनी नादान है कि सबूत अपने कमरे में रखेगी? तुम्हें भी इतना नादान नहीं हूं रूबी. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो सबूत मुझे कहां से मिलेगा.
नादान है। हीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अकरम का गुस्सा है जो तुम पर बरसा है बिजली बनकर। नहीं, ये अकरम का गुस्सा नहीं, ये तो तुम्हारा जहर है जो खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल समीर ठीक तो हो ही जाएंगे। हीना, उससे पहले मेरा जहर अपना रंग दिखा देगा। और रहा सवाल आज के दिन का, आज का दिन तो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। तुम्हारा खेल अब खत्म। कहिए अकरम साहब, कैसी हैं आपकी वाइफ? मैं उसी के बारे में कुछ पूछने आया हूं आपसे। क्या पूछना चाहते हैं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसकी तबीयत वबीयत नहीं, बल्कि कुछ और पूछने आया हूँ आपसे। वो सवाल पूछने आया हूँ जो आज तक आपने मुझसे छुपा के रखा। जी? आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे पहले कोई और उसे यहाँ पे चेकअप ले लेकर आता था? अकरम साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, आपको बताना होगा प्लीज। देखिए मिस्टर अकरम, वैसे तो ये आपका जाती मामला है, मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, इस वजह से आज मैं आपको सच बता देती हूँ। बात दरअसल ये है कि आपसे पहले मिस्टर समीर यहाँ आया करते थे हिना को लेकर, और वो वैसे ही बिहेव करते थे जैसे होने वाले बच्चे का बाप करता है। लेकिन मैंने जब आपको देखा तो आई वॉज शॉक्ड। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये बात आपसे कैसे कहूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे यही सुनना चाहता था। सुल्ताना बेगम, आपका काम हो गया। आपसे पहले मिस्टर समीर यहां आया करते थे हिना को लेकर, समीर यहां आया करते थे हिना को लेकर, समीर यहां आया करते थे हिना को लेकर। अकरम, एक आप ही मेरे बच्चे के बाप कहलाने के हकदार हैं। जज्बात में आकर मैं कुछ और कह गई, मैंने गलत किया, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। आपको एतराज इसी बात पर है कि मैं समीर के घर जाती हूँ, मगर वहां जाना मेरी मजबूरी है। मेरे जाने से समीर जल्द ठीक हो सकते हैं, ठीक होते ही वो सारी असलियत सबको बता देंगे, मेरे दामन से दाग मिट जाएगा, आपको मेरी पाकीजगी का यकीन हो जाएगा। इसी मकसद से समीर की बर्थडे पार्टी में आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। फिर भी आपको मेरे वहां जाने पर एतराज है तो आइंदा मैं नहीं जाऊंगी,
मैं नहीं चाहती कि हमारे ताल्लुकात अब और खराब हों। अब फैसला आपको करना है। आप यहां नहीं हैं, इसलिए आपके नाम ये खत छोड़े जा रही हूं। खालाजान, खालाजान, मैं समीर की पार्टी में जा रही हूँ। घंटों अकरम का इंतजार किया, आप उन्हें ये खत दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा। खालाजान, ये खत आप मुझे दे दीजिए, मैं अकरम को दे दूंगी। आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, मैंने चाय पी ली है, याद से दे देना। जी। हीना, तुम्हारा ये सफाई नामा और सच्चाई अकरम तक पहुंचेगी नहीं। एक बार अकरम को आ जाने दो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे वाह, आज तो हमारा बेटा तमाम मेहमानों से मिलेगा और ऐसे नहीं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेगा। ये आज तो तुम्हारे खालू जान भी आ रहे हैं, लेकिन ना, मैं आ गई हूँ। अरे हीना बेटी, तुम आ गई, पर अकरम? अकरम ने आने दिया? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दिल के बुरे नहीं हैं। समीर का सोच के ही उन्होंने मुझे आने की इजाजत दी। ये अकरम की ही ख्वाहिश थी। अच्छा हुआ आप जल्दी होश में आ गए, आप कई घंटों से बेहोश थे। सारे मेहमान आ जाने के बाद आप लोग समीर को सबसे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, और हीना आसपास ही रहे। हीना, हीना, हीना! अकरम, हीना घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? मुझे यकीन हो गया कि वो बच्चा मेरा नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? कार का एक्सीडेंट हो गया था, चोट लगी है, लेकिन ये चोट उस चोट के सामने कुछ नहीं जो उसने मुझे दी है। फिर भी मुझे यकीन हो गया कि वो दगाबाज है। चलो अच्छा है अकरम, क्या आपने मान लिया? हीना तो घर पर नहीं है, वो समीर की पार्टी पे गई है। एक्चुअली अकरम, मैं घर पर अकेली थी। अब्बू किसी इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गए थे और खाला जान तो घर पे थी ही नहीं। मगर मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने उसे कहा, देखो पार्टी पे मत जाओ, अकरम को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसने कहा कि समीर के खातिर तो मैं जाऊंगी ही। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। चलो हम भी पार्टी में जाएंगे, कम। लेकिन अकरम, चलो रूबी। आज के दिन समीर पर अच्छा असर हो, समीर के ठीक होने से ही आगे हालात अच्छे हो सकते हैं।
अकरम, बात मत करो मुझसे। मगर इतना तो बता दो कि तुम हीना के साथ करोगे क्या? वो तो मैं खुद भी नहीं जानता। बता दो मेरी बच्ची कहां है? ये आप क्या कह रहे हैं? अब और बनने की कोशिश मत करो समीर। मुझे पहले दिन से तुम पर शक था। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बकवास नहीं, अपनी हीना चाहिए। आइए आप लोग अंदर आइए। एग्रीमेंट पर अकरम साइन करने वाला था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक अकरम रूबी का हमेशा के लिए पार्टनर हो जाता। लेकिन तुम्हारे साथ जाने से उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। किया उसने क्योंकि तुम्हारा ही दोस्त है और तुम दोनों के मन में जो आता है तुम करते हो, और भुगतना मेरी बेटी को पड़ता है। अब और कोई झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। सच तो यह है कि तुम समीर से शादी करना चाहती थी और सिर्फ हलावा की नीयत से तुमने मेरे साथ निकाह किया। तलाक दे। सब ये ठीक तो हो जाएगा ना? नहीं, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।